रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2014 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित बुंदेलखंड में विशिष्ट स्थान रखने वाले झांसी में हुई। विश्वविद्यालय लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में विस्तारित है। ये विश्वविद्यालय न केवल बुंदेलखंड अपितु देश के विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त कृषि शिक्षा, उत्कृष्ट अनुसंधान व किसानों के प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से नई दिशा एवं गतिशीलता देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय अल्प समय में ही कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी संकायों में निरंतर अनुसंधान कर कृषकों को सामायिक प्रशिक्षण, तकनीकी एवं सलाह के साथ साथ उन्नत बीज भी उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में ये विश्वविद्यालय दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुसंधान का विशिष्ट केंद्र है, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दक्षता युक्त शिक्षा से परिपूर्ण किया जाता है, जिससे न केवल वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सकते हैं अपितु समाज एवं राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए राष्ट्रीय महत्व और महापुरुषों से संबंधित अनेक दिवस, खेलकूद व प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे प्रेरणा लेकर वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव, निदेशक, अधिष्ठाता के साथ साथ लगभग 14 राज्यों के उत्कृष्ट शिक्षक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के 2 नवनिर्मित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के इन 2 भवनों का निर्माण कार्य नवंबर 2017 से प्रारंभ होकर निर्धारित अवधि से पूर्व 2 वर्षों की अल्प अवधि में ही देश की राष्ट्रीय संस्था NBCC द्वारा संपन्न किया गया। शैक्षणिक भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 17,500 वर्ग मीटर है, जिसमें 19 स्मार्ट क्लासरूम, 44 स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रयोगशालाएं, 22 शोध प्रयोगशालाएं, 1 केंद्रीय प्रयोगशाला, 3 बहुउद्देशीय भवन एवं सेमिनार हॉल, 22 विभागों के साथ केंद्रीय पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके साथ ही प्रशासनिक भवन लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, निदेशक शिक्षा, निदेशक अनुसंधान एवं प्रसार, लेखा नियंत्रक एवं अन्य प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं। इसके साथ ही ये भवन समिति कक्ष एवं बोर्डरूम जैसी सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित है। दोनों भवन केंद्रीय वातानुकूलन से युक्त हैं। इन भवनों में ऊर्जा दक्षता के सभी मानकों को समाहित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा पैनल, LED लाइट, वर्षा जल संचयन, तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जो इस विश्वविद्यालय को प्राकृतिक स्वरूप देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे अधिक दक्षता प्राप्त कर कामयाब होंगे और स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सकेंगे। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त राष्ट्र में अग्रणी विश्वविद्यालय है, जो कि विशेष रूप से बुंदेलखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज इस विशिष्ट विश्वविद्यालय को देश के माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे यहाँ के छात्र छात्राएं, शिक्षक, अधिकारीगण व समस्त कर्मचारी अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं।